Gracias. मेरे साथ मौजूद हैं चाचा क्रिकेट और उनसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज शुरू होने वाली, आज T20 मैच है पहला। चाचा क्या कहना चाहेंगे आज मैच है पहला? यार देखो, आज तो मेरी गाल सुनो, पहले दिन बरात आ गई है, मेरी गाल सुन लो। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का मैच है T20, तो मेरी गाल सुनो, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। न्यूजीलैंड असं 141-50 जे लै लें तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच भी जीतेगा और पाकिस्तान धमाला भी पूरी पाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसे शहर के सू छ गई सी, तो अल्लाह खैर रखे ऐसे शहर के फिर शुरुआत हो रही है, तो इंशाल्लाह सोने पाकिस्तान की खैर हो। और पाकिस्तान का मीडिया तो पाकिस्तान के अदारे तो इन्हों बड़ा मजा आएगा जो मैच देख। चाचा पाकिस्तान टीम वाइट वाश करेगी न्यूजीलैंड? जिदा पाकिस्तान गई सी न्यूजीलैंड एक मैच जीती, बाकी चार मैच हार चुकी, आखिया पाकिस्तान आई न्यूजीलैंड, इन्हों की बर्ताव करना चाहिए? यार बर्ताव तो यही करना चाहिए, देखो मेरी गाल सुनो, खेल में ऐसा होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी तुम कभी हम, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, एक क्रिकेट, एक क्रिकेट से जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान कमबैक करेगा और पांच मैच हैं, पाकिस्तान चार मैच जीतेगा और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसा जीतेगा कि दुनिया में एक मिसाल और एक रिकॉर्ड पैदा करेगा। चाचा मोहम्मद अमर और माल वसीम को कैसे देखते हैं, उनकी एंट्री हुई है दोबारा टीम में, उनको कैसे देखते हैं? यार मोहम्मद वसीम तो मेरी गल सुनो, मोहम्मद अमर जिन्हें ने बहुत अच्छे बॉलर ने और बैट भी ने, यही कि नहीं बॉलर ही ने खाली, ये ऑलराउंडर मिस्त्री ने, तो मेरी गल किसी टाइम पर भी कुछ कर सकते हैं, तो मेरी गल सुनो अपने प्लेयर का तुम यही कह सकते कि प्लेयर साढ़े माठे ने, प्लेयर इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा और क्रिकेट देखोगे फार इंजॉय करो तो इंजॉय करने का मजा भी बड़ा आएगा। शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी तो ला दिया गया तो बाबर आजम दोबारा कप्तान बनाता गया, एक ही दसो ये बारे दसो की कहना? यार दसा वजह की है, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है, असं झंडा लहराने वाले हैं, सानू अपने मुल्क के झंडे के नाल मतलब है, प्लेयर के नाल कोई मतलब नहीं, क्योंकि PCB का काम है, वो PCB जाने, PCB का काम जाने, असं क्यों बच्चे भुनिए दाने, कहते हैं इसे तरह चलो चाचे की गल मान के चलो, जम के चलो, जम के चलो, मुल्क लिए खेडो, अपने लिए ना खेडो, जिन्हें अपने लिए खेडेगा वो की खेडेगा। ये सबसे पहले तो ये एक खुशाइन बात है, न्यूजीलैंड जो है पाकिस्तान के रुख कर रही है और आप आवाम को देख सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कितनी मतलब शौक से देखते हैं क्रिकेट को। बाबर आजम कप्तान दोबारा बना दिया गया है, शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से उतार दिया गया, ये बताएं ज़रा थोड़ा सा। ये जो डिसीजन है PCP की तरफ से, ये एक पैथेटिक डिसीजन है जो कि नहीं करने चाहिए थे। शाहीन शाह अफरीदी को अगर उनको कप्तान बनाया था तो तकरीबन उनको मतलब एक सीरीज उसको ड्राफ्ट किया है, ये तो नाइंसाफ़ी है, उसके साथ इनजस्टिस है, उनको तकरीबन ऑलमोस्ट 5-6 सीरीज देने चाहिए थे फिर डिसाइड होना चाहिए था ना, एकदम बाबर को गिराया फिर उसको कप्तान बनाया, तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है शाहीन के साथ। और बाबर आजम को ऑलरेडी आप देखें 2021 का वर्ल्ड कप दिया है, 2022 का T20 वर्ल्ड कप उसने इसकी कप्तानी में खेला गया है और 2023 का वर्ल्ड कप, तीनों इवेंट से वो हार चुके हैं, तो उसको दोबारा कप्तान बनाना ये समय से बलातर है। मोहम्मद आमर और अमाद वसीम की वापसी हुई काफ़ी देर बाद, इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर थे, PSL में उन्होंने परफॉर्म किया और दोबारा उनको इंटर कर लिया गया, इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें ये पाकिस्तान में अब देखें बॉलिंग लाइन आप देखें तो बहुत सारे बॉलर्स पड़े हुए हैं, जैसे कि जमान खान है, शाहनवाज दानी है, इसी तरह दूसरा के अब्बास है, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर है, यंग बॉलर है, तो मेरे ख्याल में तकरीबन आमिर की 32 ईयर हुए ओल्ड है, ठीक है, तो उनकी क्रिकेट में तकरीबन 10 से 15 साल वो खेल चुके हैं, ठीक है, अब वो उसका पेस भी थोड़ा नीचे आ गया है और उसकी जो पहले लेंथ पे करता बॉल स्विंग हो रहा था वो भी कम हो चुका है, तो इसमें बेहतर ये है कि जमान खान अच्छा ऑप्शन था उन लोगों के पास और अब्बास अफरदी है वो बेस्ट ऑप्शन है, शाहीन है, हारिस है, उसके बावजूद भी मतलब आमिर को लेके आए, तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन मार्क है PCB के ऊपर और ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब देखें ये सीरीज है 5 सीरीज, इसमें आप आमिर की अच्छा पहले न्यूजीलैंड का सीरीज जो खेल गया है, पाकिस्तान वाइट वॉश तो नहीं हुआ, एक मैच जीता था, लेकिन पाकिस्तान में न्यूजीलैंड वापस आई है खेलने के लिए, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए उनके साथ? अब देखें न्यूजीलैंड ने जो है ना अपनी जो स्ट्रांग टीम नहीं भेजी है, यंग टीम भेजी है पाकिस्तान को, तो मेरे ख्याल में ये सीरीज पाकिस्तान तो ऑफिशली जीतेगा, क्योंकि मतलब यंग प्लेयर है न्यूजीलैंड के, जो बड़े बड़े प्लेयर थे वो IPL में खेल रहे हैं अभी इस टाइम, तो मेरे ख्याल में छोटे प्लेयर है मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छे अच्छे बैट्समैन है, जैसे बाबर है, रिजवान है, फ़ख्र जमान है, ठीक है, अच्छे अच्छे बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल में कोई मुकाबला ही नहीं है इसमें, यंग प्लेयर है न्यूजीलैंड के और पाकिस्तान के, देखे लगता है आपको पांचों मैच ये जीत जाएंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड से? नो डाउट जीतेंगे,
व्हाइट वॉश करेंगे, व्हाइट वॉश करेंगे जी सर बिल्कुल। अभी अभी मैं कश्मीर से ट्रैवल करके आया हूँ, तकरीबन 100 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ स्पेशली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, और मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया गया, शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से उतार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे शहीन शाह अफरीदी एक सीरीज के लिए कप्तान बने? जी जी बिल्कुल, देखें बेसिकली शहीन अच्छा कप्तान है और अग्रेसिव कैप्टन है, PSL में उसने 2 टाइटल जीते भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा जल्दी कर गए। और बाबर आजम भी अच्छा कप्तान है, वर्ल्ड कप में उनकी जो आप कह सकते हैं कि अच्छी कंपेन उनकी रही है, और फिलहाल अभी बाबर कैप्टन बनाया था, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। अहमद वसीम और मोहम्मद आमर की वापसी हुई, बड़ी देर बाद वापसी हुई, क्या कहना चाहेंगे दोनों के बारे में? देखें अहमद वसीम और बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए काफ़ी सर्व किया है, और थोड़े से चल रहे थे बाबर और उनके इशू, लेकिन अभी उन्होंने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। सर जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप परसेंटेज देख लेना जो मैचों की हुई है, शाहीन ने एक सीरीज़ में की है कप्तानी, लेकिन बाबर आजम जो क्लासिकल हमारा कप्तान है वैसा ना बैट्समैन है दुनिया में ना कप्तान हो सकता है। वो अच्छा है, वो अभी आया है, क्योंकि PCB ने भी यही चीज़ देखी है, उन्होंने विनिंग परसेंटेज देखी है, और कोच ने खुद डिमांड की है कि हमें बाबर आजम चाहिए सबसे पहले। तो बाबर आजम होपफुल पाकिस्तान आज जीतेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा परफॉर्म। अहमद वसीम और मोहम्मद आमर के बारे में क्या कहते हैं, काफ़ी देर बाद कम बैक हुआ उन दोनों को? देखिए नो डाउट मोहम्मद आमर दुनिया के बेस्ट बॉलर है, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है और स्किल भी है। इसी तरह अहमद वसीम को देख लें, वो नंबर तकरीबन अभी साल पहले ना नंबर 3 पे आते रहे हैं ऑलराउंडर में, उन जैसा ऑलराउंडर कोई नहीं है, और वो बॉलिंग भी अच्छी कर सकते हैं और बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन जो मोहम्मद आमर की जहाँ तक बात है, वो स्किल वाला बॉलर है, उसके पास स्किल बहुत ज़्यादा है। अहमद वसीम और मोहम्मद आमर की दोबारा वापसी हुई है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यह तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे हिसाब से अहमद वसीम जो है वो मेरा फेवरेट है, ठीक है, मुझे तो इस बात में बड़ी खुशी हुई है। आवाम देखने के लिए आ रही है मैच, ये देख सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, और फिर भी ये फलस्तीन का झंडा लेके आए हैं और पाकिस्तान का झंडा भी साथ लहरा रहे हैं। लोग इसको देखें कैसे प्यार कर रहे हैं फलस्तीन के झंडे के साथ।